हाँ यस सर, आवाज आ रही है। टुन्ना जी, यस सर कैन यू हेयर मी? हाँ यस सर। ओके ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू मिस्टर टुन्ना सिंह जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटिफुल मीटिंग, और उसके बाद में मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर कुट्टी साहब को और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को एंड मिस्टर तिवारी जी को एंड वेंकटेश्वर राव जी को एंड रविंद्र रेड्डी जी को एंड मिस्टर संजीव संजय यादव जी एंड राकेश यादव जी एंड मिस्टर मधु जी एंड मिस्टर सतीश एंड इवन अदर यू नो मोर लीडर्स आर देयर। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ये सब लोगों इतना सुंदर का जो आज का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया गया है एंड ऑल्सो आई एम इन्वाइटिंग मिस्टर शरद जी ऑल्सो। सो फर्स्टली मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, इन्वेंशन कैसा हुआ इसके बारे में कहे तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो जब नेसेसिटी होता है इन्वेंशन होता है, एंड सेकेंडली ये इन्वेंशन पब्लिक के लिए नहीं किए थे, अपना परिवार के लिए। बाद में व्हेन आई स्टार्टेड टू ट्रीट द टॉप मोस्ट पीपल लाइक यू नो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर्स एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल, उन लोगों ने कहा कि इसको पब्लिक को क्यों नहीं ला रहा है, क्योंकि आप पैसा नहीं लेता है। हम कहते थे कि सर आप लोगों से क्या पैसा लेना है, एज ए फैशन में किया है, सो आप लोगों को प्रॉब्लम आया हुआ है और आप लोगों हमको परस्यू कर रहे हैं, मैं ट्रीट कर रहा हूँ। सो इन दिस वे सो अल्टीमेटली दे हैव फोर्स मी टू ब्रिंग द प्रोडक्ट टू द पब्लिक एंड विद द यू नो ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया इन अ वेरी यू नो इन अ सॉफ्ट लोन मैनर। एंड बाद में जब ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष जी को मैं कुछ हेल्थ के लिए मैं प्रोडक्ट दे करके सॉल्व किए थे और खुद ही वो लॉन्च किया, एंड उसमें मिस्टर गिरिराज सिंह साहब भी था ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एंड डायरी। सो क्योंकि उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए में ट्रीट की गई थे, सो इस तरफ से ये सारे चीज प्रोडक्ट आया। एंड इसमें टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम डेवलप किया गया है, एक टाइप जो है मेडिसिन इज ऑलरेडी इन द मार्केट, एक टाइप से सप्लीमेंट्स। ये सप्लीमेंट्स अब्रॉड में सेल करते थे, सो अल्टीमेटली ये सप्लीमेंट इंडिया में लाने के लिए बहुत आदमी मतलब परस्यू किया, इवन इंक्लूडिंग मेनी डॉक्टर्स, because allopathic doctors cannot prescribe the ayurvedic medicines, they can prescribe only supplements, so they can advocate. So in this way ye product aaya, and one thing I am telling you, ye jo hai jab hamara bachcha ko blood cancer tha us samay par unko upar bhi hum logo treat kiye along with the allopathic medications when he was in vellore क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, एंड जब वो बच गया देन हमको हमारा वाइफ कहे कि ये जो प्रोडक्ट पब्लिक के लिए लाए तो 50% ऑफ द प्रोडक्ट हैज टू बी गोस टू द रूरल पूर मेरिटोरियस चिल्ड्रंस एजुकेशन थर्ड इन अ गुरुकुल आश्रम कॉन्सेप्ट बाय इनकल्केटिंग सीबीएसई इंग्लिश मीडियम फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। सो इस तरह से ये सारे चीज हुआ है, एंड अभी इतना प्रेशर दे रहा था मिस्टर टुन्ना सिंह जी कि प्रोडक्ट बिफोर 20th हमको चाहिए दोनों प्रोडक्ट, इसके वजह से मैं फैक्ट्री जाकर के फैक्ट्री से वापस लौट रहे थे सो प्रोडक्शंस का सुपरविजन करके। सो यही चीज मैं कह सकता हूँ, एंड रियली आई एम सरप्राइज अमेज्ड टू सी बिग यू नो गैदरिंग टुडे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर्स, उन लोगों का नाम में अभी मेंशन किया गया है, बिकॉज ऑफ देम आई एम रियली इंडेटेड टू देम
एंड ये भी मैंने निर्णय लिया कि वृक्षो रक्षा रक्षितः मीन्स इफ यू प्रोटेक्ट द ट्री ट्री विल प्रोटेक्ट यू. माय एंटायर यू नो द हर्बल एक्सट्रैक्ट इज प्लांट बेस्ड, इसलिए हर आदमी हर जन्मदिन में एक पेड़ लगाना है और वो पेड़ नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन समाज के लिए एंड जीव जंतु के लिए एक सहायक रूप में रहेगा. एंड जो आदमी 6 महीने का अंदर वो करके फोटो अपलोड नहीं करे तो 100% उनका जो भी ऑपरेशंस उसको जो ब्लॉक करेंगे. एंड सेकेंडली उसका जो भी पैसा है आफ्टर सम पर्टिकुलर पीरियड उस स्टेट का गवर्नमेंट का सीएम रिलीफ फंड में हम लोगों दे देंगे. एंड सेकेंडली मैं बताएंगे अवर्स इज नॉट एमएलएम कंपनी, बिकॉज जनरली क्या है एमएलएम कंपनी कभी कभी हजारों कंपनी इंडिया में है, सब हवा में रहता है, उन लोगों का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का फंडेड भी नहीं रहता है एंड वो कुछ नहीं रहता है. किसी से प्रोडक्ट परचेज करता है, उन लोगों को बेचता है, कुछ हुआ तो टोटली उन लोगों हाथ उठा करके चल जाता है. बट इधर ऐसा नहीं है, इट इज अवर ओन प्रोडक्शन एंड अवर ओन सिस्टर्स कंपनी. एंड इसमें क्या है कि यू आर ऑल लाइक ए पार्टनर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये सोचना है. एंड सेकेंडली यू आर गिविंग लाइफ टू द पीपल, सो एंड वो आप अच्छा उन लोगों को लाइफ दिए तो उसका रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपको आता है. भगवत गीता में कहता है ऑफ कोर्स इन ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट्स, इफ वी डू समथिंग गुड टू द सोसाइटी नो नीड टू क्रेव फॉर द फ्रूट्स, फ्रूट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो विद अस. सो इन द सेंस हम लोग वो अच्छा काम करें तो पल का कोई निरीक्षण करने का कोई जरूरत नहीं, पल ऑटोमेटिकली हम लोगों को साथ में फॉलो करेगा. सो ये सारे शब्द ये करके आप सब लोगों मतलब जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है ये अपना इंटर जनरेशन टू जनरेशन एक अच्छी तरह से मतलब क्या कर सकता हूँ लाइफ लॉन्ग मतलब इसका कंपनी का साथ में जुड़ने के लिए मैं आशा करूंगा. एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, बिकॉज पहले मैं आपको बताऊंगा जब हम कलेक्टर थे कमिश्नर थे उस समय पर कोई केस आए तो नेटवर्किंग का हम इरिटेट हो जाते थे, लेकिन अभी देख रहा हूँ दे आर द लाइक एंजल्स, बिकॉज कोई कंपनी मिस्टेक किया अल्टीमेटली इन लोगों को कोई गलती नहीं रहता है. सो इसलिए ये सारे फ्यू मिनट्स में आप लोगों को मतलब ये एड्रेस करके सो मैं आप सब लोगों को वेलकम करते हुए एंड अगेन हम सभी मतलब ऑर्गेनाइजर को एंड पर्टिकुलरली मिस्टर नाथ सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देते हुए सो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.